बिटसेट 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और इस टाइम पे जरूरत है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट वर्क करें इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। तो यहाँ पे हम आपके लिए वीडियो लेके आए हाई वेटेज टॉपिक्स का, ताकि आपको पता चले कि फिजिक्स में इस टाइम पे आप किन चैप्टर्स पे ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, और इससे आपको बिटसेट में एक अच्छा स्कोर लाने में जरूर से हेल्प मिलेगी। एंड ऑलरेडी हम आपके लिए जो है मैथ्स एंड केमिस्ट्री के वीडियोस कवर कर चुके हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर आपने अभी तक इन्हें चेक नहीं किया है तो जरूर से चेक कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए है लास्ट में वीडियो के। और जो है यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा जो अंतिम बैच आप सभी के लिए लॉन्च हुआ था, उसके लाइव सेशंस आपके कल से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी मटेरियल तो जो जिन भी स्टूडेंट्स ने एनरोल किया उनको ऑलरेडी एक्सेस प्रोवाइड कर दिया गया है, तो अगर आपने अभी तक इस कोर्स को चेक नहीं किया तो जरूर से चेक कर लीजिए, ताकि आपका लाइव सेशन जो है वो मिस ना हो। अब बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पे सारे टॉपिक्स की। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आपके मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स वाले सेक्शन पे। देखिए जिस ऑर्डर में मैं चीजें आपके बता रहा हूँ ना, आपको भी ट्राई करना चाहिए उसी ऑर्डर में कंप्लीट करें। तो इससे क्या होगा, आपका हाई वेटेज पोर्शन और एक कुछ इजी टॉपिक साथ साथ कवर होते जाएंगे। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर काइंड ऑफ थ्योरेटिकल है और थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो यहाँ पे उसको सबसे पहले रख लो। अब प्रायोरिटी वन में इसमें जो है सेट कर लो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और एटॉमिक फिजिक्स, क्योंकि तीन पार्ट में आपका मॉडर्न फिजिक्स बढ़ जाता है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें से ये दो जो है आपके ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे बिटसेट में पूछे जाते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तो इसको तो बहुत ही अच्छे से करके चले जाओ। इसके अलावा जो है आपके बोर हाइड्रोजन एटम, ये चीज आप जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम भी पढ़ते हो, तो जो जो फॉर्मुलेस आते हैं ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से देख के जाना है। फिर आपके जो एमिशन स्पेक्ट्रम वाला चीज रहती है वो अच्छे से देख के जाओ, जो जो सीरीज रहती है, तो ये काफी ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स है आपके बिट सेट के हिसाब से। अब जो है प्रायोरिटी टू में आपका क्या क्या बचा, न्यूक्लियर फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर्स जो है कम ही पूछा जाता है, तो उसमें बेसिकली आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी बैंड्स जो है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा सभी का, कंडक्टर्स इंसुलेटर, और डायोड्स के जो आपके आईवी वाले कर्व रहते हैं उनको अच्छे से देख लीजिए, ट्रांजिस्टर में जितने बेसिक फॉर्मुलेस है उनको अच्छे से कर लीजिए, न्यूमेरिकल आने के थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं, और लॉजिक गेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रेडियो एक्टिविटी है, और रेडियो एक्टिविटी में भी जो है आपका यहाँ पे हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाता है, तो वो चीज जो है अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी बाइंडिंग एनर्जी भी जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे हिसाब से काइंड ऑफ आपको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पता चल गया होगा मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर का। तो प्रायोरिटी वन पे इनको देना है, और प्रायोरिटी टू पे उन चैप्टर्स को जब हमारे सारे प्रायोरिटी वन के खत्म हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। प्रायोरिटी वन में यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इन तीनों को आपको प्रायोरिटी वन पे रखना है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है कूलम्स लॉ, ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से जो है देख के चले आइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो है आपके जितने फॉर्मूले अलग अलग बॉडीज के रहते हैं उनको देख लीजिए, डेरिवेशन पे जो है क्वेश्चंस नहीं आते, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाले आ सकते हैं, और यहाँ पे आपका जो है फिर ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो ऑब्वियसली फॉर्मूला अगर पता है आपको, कंडीशंस पता है कि इनसाइड आउटसाइड कैसे हिसाब से फॉर्मूला लग रहा है, तो उसके ग्राफ्स भी आप बहुत इजीली ड्रॉ कर लोगे। गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन जो है इंपॉर्टेंट है, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ, इसके अलावा जो बचे हुए टॉपिक्स है वो भी करके जाने चाहिए, लेकिन इन पे जो है अभी ज्यादा टाइम पे आप जो है मतलब इस टाइम पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात कर ले तो इसमें ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के फॉर्मुले देख लीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब कि आपका रेजिस्टर्स इन सीरीज और पैरेलल, ठीक है। फिर किरचॉफ लॉ हो गया, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, उनके प्रिंसिपल और एप्लीकेशन अच्छे से देख लीजिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बात करें दोनों ही लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायो सर्वेट लॉ और आपका एम्पियर लॉ, और उनके एप्लीकेशन भी। फिर मैग्नेटिक फोर्स का जो है आपके रिलेशन अलग अलग जो है आपके यहाँ पे इक्वेशंस दी रहती है, तो उनको अच्छे से पढ़ के जाइए। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर डिफरेंट शेप्स कैसे तरीके से निकलता है, और गैल्वेनोमीटर और उसका कन्वर्जन आपका एममीटर और वोल्टमीटर में। तो ये जो है ये आपको अच्छे से देख के जाने हैं। बचे हुए टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस है, लेकिन इनको ज्यादा प्रायोरिटी दो, क्योंकि ये आपके रिपीटेड में है, काउंट किए जाते हैं। अगली बात कर ले प्रायोरिटी टू में, तो कैपेसिटर जो है वो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ईएमआई जो है उसमें आपका फैराडेस लॉ हो गया, लेंस लॉ, एडी करंट्स, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटर्स, तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिंग करंट में अगर बात करें पीक एंड आरएमएस वैल्यू, एसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, तो ईएमआई और एसी में तो मतलब आपका जनरली छोटे चैप्टर्स है, तो लगभग पूरा पूरा पोर्शन जो है अच्छे से देख के चले जा सकते हो, और ये प्रायोरिटी टू पे रखो। प्रायोरिटी वन में इन तीनों को जो है आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। अब बात कर लेते हैं ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स में जो आपके टॉपिक्स है उनको तीन पार्ट में बांटा है,
जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रे ऑप्टिक्स की रहेगी, और ये सारा पोर्शन आपको अच्छे तरीके से करके जाना चाहिए, और उसके अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है वो अच्छे से करके जाइए। अब जो जो पोर्शन बचा हुआ है उसके कम से कम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज तो पता ही होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल छोड़ के मत जाना। इन पे भला ही ज्यादा फोकस कर लो, थोड़ा डेप्थ में पढ़ लो, लेकिन बाकी के कम से कम फॉर्मूलेस और थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान से देख के जाओ। फिर प्रायोरिटी टू में बात करें वेव ऑप्टिक्स में, तो आपके ये जो है जैसे कि वेव फ्रंट हो गया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट है, YDSE तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है आपका प्रायोरिटी थ्री पे, सिंपल से जो है फॉर्मुलेस देख लेना, थोड़ा बहुत स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो है समझ लेना कि क्यों होता है कैसे होता है, ठीक है, बस ये देख लेना। अब बात कर ले हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स में, तो इसमें दो प्रायोरिटी में बांट रहा हूँ। थर्मो अलग लेवल पे है, थर्मो को जो है प्रायोरिटी वन पे हम रखते हैं। इसमें आपकी जितनी भी थर्मोडाइनेमिक प्रोसेसेस रहती है उनके ग्राफ्स आपको अच्छे से जो है समझ में आने चाहिए। हीट इंजन और कार्नोट साइकिल, कार्नोट जो है कार्नोट इंजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से देख लीजिए। अब प्रायोरिटी टू में बात करें तो आपका केटीजी और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आ जाता है। इसमें भी जो है ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जितने आपके इंपॉर्टेंट लॉस है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन्स लॉ ऑफ विंड्स, डिस्प्लेसमेंट लॉ, पता होने चाहिए हमें। बाकी आपको कैलोरीमेट्री की इक्वेशन, हीट ट्रांसफर, ये सब जो है अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब यहाँ पे जो है हमने आपका 12th का पोर्शन और हीट एंड थर्मो देख लिया, तो इतना पोर्शन तो बहुत अच्छे से करके जाओ। मैकेनिक्स भी जो है एक हाई वेटेज आपका सेक्शन रहेगा, उसमें अगर हम हाई वेटेज चैप्टर्स में नजर डालें तो यहाँ पे आपका NLM रहेगा, WP रहेगा, रोटेशनल मोशन ऑफ फ्लूइड्स, ये जो है पिछले साल भी काफी बार इससे जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब NLM में जो है आपका पुलिस वाले क्वेश्चन हो गए, इंक्लाइन सरफेस, यहाँ पे ब्लॉक्स एंड कॉन्टेक्ट, फ्रिक्शन, तो ये सब जो है आपके सिंपल FDD बनाने वाले क्वेश्चन रहते हैं, वो जो है पूछे जाते हैं। WP में बात कर ले, वर्क एनर्जी थ्योरम आपसे लगवाएंगे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और पावर, इनके जो है न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। रोटेशनल मोशन में बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम प्लस कंजर्वेशन, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन जो है अलग से आपको पता होनी चाहिए, और उसका कंजर्वेशन वाला भी जो है कॉन्सेप्ट वो भी यूज हो जाता है, बाकी टॉर्क से रिलेटेड जो इक्वेशन है। फ्लूइड में कम से कम सारे फॉर्मुलेस अच्छे से देख के चले आना, उसमें बर्नौली इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे आपके हाई वेटेज चैप्टर्स में आएंगे। इसके अलावा जो है ना कुछ चैप्टर्स आपके काफी इजी पड़ जाते हैं, तो मतलब जो इसको छोड़ के वाले, तो इनमें क्या है इजी चैप्टर्स आपको जो है ऐसे है कि इनसे इजी ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए इन्हें इजी चैप्टर्स में डाला है। क्योंकि देखो ग्रेविटेशन को डाला है जेईई मेंस के टाइम पर, मैं ग्रेविटेशन को इजी थोड़ी बोलूंगा, क्योंकि उसमें हो सकता है थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपके घुमा फिरा के पूछ ले, बट यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ये चैप्टर्स स्टूडेंट जो है डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें इजी के साथ जाना है या फिर हाई वेटेज चैप्टर्स के साथ, तो आप अपनी प्रायोरिटी यहाँ पे खुद डिसाइड कर लेना। अब आखिरी में बात कर ले SHM और वेव्स की, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रिपीटेड टाइप ऑफ मैंने जो है दे दिए, इसके अलावा भी बाकी चीजें भी आपको अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए वैसे तो। इसमें स्प्रिंग मास सिस्टम, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड फॉर डिफरेंट केसेस, तो अलग अलग जो है केसेस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बेसिकली आना चाहिए कि टाइम पीरियड हम जो है कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये चीज हो गई। और फिर यहाँ पे काइनेमेटिक्स ऑफ SHM, ठीक है, तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स वाफ्स अच्छे से देख लेना वेलोसिटी एक्सेलरेशन के, और स्टैंडिंग वेव्स एंड स्ट्रिंग्स एंड पाइप्स, तो ये वेव्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड डॉपलर्स इफेक्ट तो काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो है आपके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स भी आप कह सकते हो, इसके अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है उनके फॉर्मुलेस एटलीस्ट देख के जाना है। तो ये जो मैंने 200 प्लस वाला वीडियो बनाया उसमें कहा ही आपको कि इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज सेक्शन को और अच्छे से देखो, लेकिन बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है उसके एटलीस्ट फॉर्मुलेस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाओ, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो यही चीज इस वीडियो के थ्रू भी मैं आपको जो है बताना चाहता था। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में एक सरप्राइज चीज है, तो बहुत जल्द जो है हम आपके लिए एक सरप्राइज पैकेज यहाँ पे बेडसाइट 2023 के लिए लाने वाले। आप चाहते हैं तो एक बार गेस भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ये चीज रिलीज की जाएगी जब हम यहाँ पे 1000 लाइक्स पे जो है वीडियो पे पहुंच जाते हैं, और ये चीज कंप्लीटली फ्री रहेगी, आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी। तो इसलिए ध्यान से जो है आप लाइक करिएगा इस वीडियो को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये टारगेट अपन जल्द से जल्द पहुंचे। और ये जो पैकेज है ना, ये आपके 2023 के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। इससे आपको पता चलेगा आपके क्वेश्चंस कैसे कैसे जो है पूछे जाते हैं, तो थोड़ी बहुत हिंट तो शायद मैंने इसी चीज से आपको दे दी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।